अस्सलामुअलैकुम, पंजाब सेफ सिटी 30 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा आवान। नाजिम, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वबा फैली हुई है और हमारे जो है नेशनल हीरोज़ जो हैं इससे लड़ रहे हैं, जिसमें पंजाब पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 के अहलकार हैं, जो ना सिर्फ मामूल की जो है रेस्क्यू एमरजेंसी से लड़ते हैं बल्कि कोरोना के जो एमरजेंसी पेशेंट हैं उन्हें भी रेस्क्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तआवुन के साथ जहाँ पर एक्सपो सेंटर में कोरोना ट्रायल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को लाया जाता है और आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे जो है ये पेशेंट्स आते हैं और किस तरह इनका इलाज किया जाता है और किस तरह इनकी हफाजती तदाबीर को ये फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर और हम उनसे जाने के कि कैसे ये जो कोरोना वायरस की वबा जो फूट गई है उन्हें मैनेज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और ये जो हमारी आइसोलेशन वार्ड है कितने पेशेंट हैं, कितने रिकवर होते हैं। तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कोरोना की वबा फूट गई है, बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि अब कोई स्ट्रेटजी है, किस पर अमल करें। तो पाकिस्तान ने बहुत ही एक लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है जो कि इस वबा के फूटने के एक एस्टिमेट लगाया जाता था कि बहुत ज़्यादा डेथ्स होंगी और बहुत नुकसान होगा, अल्लाह का करम है कि वो नहीं हुआ। तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो फॉलो की है? जी, जिस तरह से आपको पता है कि रेस्क्यू जो है वो फ्रंट लाइन में काम करता है, जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है तो फौरन हमें पहले कॉल आती है। ऐसी सूरत हाल में फौरन रेस्क्यूअर्स का आगे जाना, उन मरीज़ों को रिसीव करना, जिसको जब पता चलता था घर वालों को भी कि जी इसको कोरोना है तो वो भी पीछे दूर हो जाते थे, तो उस सूरत हाल में रेस्क्यूअर का आगे जाना, उनको रिसीव करना, उनकी देखभाल करना और फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दुनिया में मीडिया के ज़रिए सब एक खौफ व हरास की सूरत हाल थी, तो ये आसान काम नहीं था। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि अपने लोगों को ट्रेन किया कि किस तरीके से उन्होंने एहतियात के साथ ऐसे पेशेंट्स को जाके मैनेज करना है। सर, कितने लोग जो हैं वो ट्रेन किए हैं आपने? जी, हमारे देखिए जिन लोगों ने भी इस चीज़ को मैनेज करना है वो तो तेना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग, फिर हमारी एम्बुलेंसेस हमने इसके लिए डेजिग्नेट कर दी कि जी हर शहर में जितनी नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं उसके मुताबिक 2-4 चाहिए, कितनी चाहिए उन्होंने, फिर उनके स्टाफ को स्पेसिफ़िकली पूरा कवरऑल पहनने की और उनको ट्रेनिंग जो है उसके बारे में उनको ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया ताकि वो इससे सही तरीके से नंबरदार हो सके। फिर हमने दूसरा काम ये किया, क्योंकि हमारी एक एमरजेंसी नंबर है तो एमरजेंसी नंबर हमारा 1122 हर वक्त कोरोना से बिजी ना हो, तो हमने उसके लिए एक स्पेसिफ़िक हेल्पलाइन भी शुरू कर दी 1190, क्योंकि हर पेशेंट जो है वो हमने ज़रूरी ये चीज़ थी रियलाइज़ करें कि हर खांसी नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं है, और उसकी वजह से जो खौफ व हरास फैल गया, थोड़ा सा भी किसी को शुबू होता था या वो जाके हर कोई अपना टेस्ट भी कराना चाहते, तो एक मुश्किल सिचुएशन बन गई थी हेल्थ के लिए, किसी के लिए भी कोप करना ऐसी सूरत हाल में मुश्किल था। अब दूसरा हमने ये काम किया कि जिस तरह हुकूमत पंजाब ने जहाँ पर अभी आप आई हुई हैं, ये कोरोना ट्रियाज सेंटर है जो कि रेस्क्यू का नाम है, ऐसे जो पंजाब इमरजेंसी सर्विस है, तो ये इमरजेंसी सर्विस ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये ट्रियाज सेंटर जो हमने इस्टेब्लिश किया, और उसमें मकसद ये है कि लाहौर एक सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो कम से कम आप ये देख सकती हैं अभी भी केस आ रहे हैं, तो ये जो है तो ये यहाँ पर वो आ सकते हैं अगर उनको कोई भी शक या शुबा है जो है, या पेशेंट देख सकती हैं ये आ रहे हैं पेशेंट। तो सर, डेली बेसिस पे कितने पेशेंट रिसीव आप करते हैं और रिकवरी रेट क्या है आप? ये अभी देखिए रिकवरी फौरन नहीं होती इसमें, अभी मैं आके अगर अंदर आएंगी तो मैं आपको फिगर्स बताऊंगा कि कितने पेशेंट आते हैं। अच्छा। और उनमें से कितने जो हैं, ज़्यादातर अगर आप देखिए तो इस तरह यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनको शक शुबा है, उनको सिर्फ चेक करके मेडिसिन दे के उनको घर भेज दिया जाता है, तो अगर यहाँ पर हमारे इस वक्त तक 1500 के करीब मरीज़ आए हैं तो उनमें से 900 के करीब जो लोग हैं वो हमारे ऐसे थे जो कि घर जा सकते थे उनकी ट्रीटमेंट ठीक उनको, तो उनका इस किस्म का नहीं था। सर, कितनी कॉस्ट आती है एक बंदे को अगर आपने चेक करना है, अगर उसे सस्पेक्ट है कि शायद मुझे है या नहीं और वो चेक करवाने आया है? ये वाली चीज़ डिटरमिन करना आई थिंक डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हमने अपने मौजूदा वसाइल को ही थोड़ा सा हमने स्ट्रेच करके
उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करके तो फिर हमने इसको शुरू किया। तो यहाँ पे हम उनको रिसीव करते हैं, ठीक है, उनको फॉरन रजिस्टर किया जाए। जिस तरह ये पेशेंट आया जी, इसको शक शुबा है तो उनका जी जी। तो नाजरीन, अब ये DIG साहब हमें सारी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे एक पेशेंट आता है और उसे वो रिसीव करते हैं। पेशेंट को चेक किया जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। आइए मेरे साथ। एक खास हद तक फास्ता रखा जाता है पेशेंट का, उसके बाद उसको चेक किया जाता है, उसकी एज, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ पूछा जाता है, उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है उससे। कितने पेशेंट अब तक आए हैं? अब तक 1245 पेशेंट्स आए हैं, जिनमें हमने एक्सपो में 238 शिफ्ट किए हैं और अदर हॉस्पिटल्स में 94 पेशेंट शिफ्ट किए हैं, और जिनकी काउंसलिंग हमने की है वो 913 हैं, जिनकी हमने काउंसलिंग करके मेडिसिन करके उन्हें घर भेज दिया। मतलब उनमें कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है। एक फेयर ज़्यादा मेरे ख्याल में लोगों में पाया जाता है कि वो आ जाते हैं फ़ौरन ही जी, फिर जो है इसका डर जो है मेरे ख्याल में सर बहुत ज़्यादा है। सकती हैं अगर 1200 से ऊपर आए, उनमें 900 लोग थे जिनको सिर्फ काउंसलिंग फेल की है। ये जो आप देख रही हैं जहाँ पे पेशेंट बैठे हुए हैं, इनको भी जब पेशेंट चला जाता है, जैसे ही उठता है तो उसके बाद इसको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। ओके ओके, ताकि सारे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो सारे के सारे जो है वो किया जाए। अच्छा सर ने कहा है कि जो हम बैठते हैं यहाँ पर, जो इसको भी डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है ताकि अगला कोई पेशेंट आया और उसे कोरोना नहीं है, ये मेक श्योर करें उनकी सिक्योरिटी को और उनकी सेफ्टी को। दूसरी अगर आप चीज़ देखें तो मेरे यहाँ पे अगर सामने वेटिंग में भी ऐसा हमने ये येलो, रेड और ग्रीन एरियाज़ बनाए गए हैं, जो कि पेशेंट की शिद्दत और उसके शक और शुबा अगर आया आपको कि जी पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स डेवलप्ड हैं, वहाँ पे सीरियस है, उसको फिर उस कैटेगरी के मुताबिक ये आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ अभी डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ़ौरन जहाँ से उठेंगे तो उसके बाद इस चेयर को भी जो है वो डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक सर वो इस्तकबालिया डेस्क है, इसके साथ शिवला डेस्क है, ये क्या काम जी? मज़ीद तफसील लेते हैं। ये हॉस्पिटल का भी स्टाफ हमारे साथ बैठा हुआ है ताकि हॉस्पिटल का स्टाफ मज़ीद इसकी जो है वो एंट्री करता है और पूरा रजिस्टर के अंदर जो है इसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर इसके जो वाइटल साइंस हैं, जो ब्लड प्रेशर हो गया और बाकी टेम्परेचर वगैरह, वो सारा लिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, कि उसको माइल्ड है, मॉडरेट या सिवियर है। तो आप पीछे देख सकती हैं ग्रीन, येलो और रेड, तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो उस पेशेंट की शिद्दत के मुताबिक उसको उस सेक्शन में फिर रेफर कर दिया जाता है ताकि उसका सही तरीके से इलाज और ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा सर, किस एज ग्रुप का आपको लगता है कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव होता है? ये आई थिंक सारे एज ग्रुप्स आ रहे हैं। जो असल चीज़ है वो चीज़ ये है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक किन लोगों में है, वो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा एज होती है, जिनमें इम्यूनिटी यानी मुदाफियत जो है कुव्वत मुदाफियत कम होती है। दूसरी वो कैटेगरी है जिनमें पहले से शुगर है, जिनमें पहले से कोई सांस की बीमारियां हैं, उन लोगों में ज़ाहिर बात है जिस वक्त ऐसी चीज़ होती है तो फिर उनमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, चाहे वो फिर यंग हो या कुछ हो, उसमें फिर ज़्यादा किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ है और किसी की जो ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं कि उसको पहले से कोई बीमारी है और उसके साथ अगर उसको कोरोना होता है तो फिर ऑब्वियसली बढ़ जाता है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर तशखीसी मरकज़ पर वो आ जाते हैं। हमने ये जगह भी खुली इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर चांसेज ऑफ स्प्रेड कम से कम है, हवा चलती रहती है, तो ये एरिया जितना ओपन होगा उतने ज़्यादा। तो ये एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया ताकि ऐसा ना हो कि हम मज़ीद यहाँ पे जो लोग आए उनको हम डिज़ीज़ स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ लिखा हुआ है ममनुआ इलाका ब्राइमरीज लवाइकीन, मतलब अगर किसी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है तो वो अकेला यहाँ पे आएगा? मकसद ये है कि यहाँ पे कोरोना के मरीज़ों को जो है इधर नहीं आना, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर हैं हम उनके साथ अगर मिक्सिंग शुरू कर देंगे, इसी तरह से जो यहाँ पे भी जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है एक्सपो में, उसमें भी दो कैटेगरी है, एक तरफ से पेशेंट्स की एंट्री है, दूसरी तरफ से हेल्थ केयर वर्कर्स की है, ताकि आपस में दोनों की मिक्सिंग ना हो और जो हमारे स्टाफ है वो सारा ना हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे जिनके ये 900 लोग जिनको वो लाए, उनको फिर अगर ज़रूरत है तो सिर्फ उनको मेडिसिन जो है वो यहाँ पे हमारा मेयो हॉस्पिटल से भी स्टाफ यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे फिर उनको जो है जिनको सिर्फ एक माइनर कोई चीज़ है और उसको मेडिसिन देनी होती है तो वो मेडिसिन जो है वो हमारे जो है यहाँ पे देते हैं। तो ये मेयो हॉस्पिटल से हमारी टीम है जो कि हॉस्पिटल की टीम फिर उनको साथ साथ मेडिसिन भी इशू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग बहुत ज़्यादा एक जो काम कर रहे हैं कौम की खिदमत के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे बताएं कि ये जो दवाई आप देते हैं वो कोरोना पेशेंट होता है या कोरोना के अलावा जो पेशेंट है उसको दी जाती है? कोरोना वाले पेशेंट आते हैं ना जो हमारे पास फ्लू वगैरह के साथ ना, उनको दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक तो कोरोना जिसे हो गया उससे खौफ बढ़ा है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो उस खौफ को आप एलिमिनेट करती हैं उनसे? नहीं, खौफ की कोई बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो है ना सेहतयाब होकर जा रहे हैं घरों में।
इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं जी, नहीं डरने की कोई बात नहीं है जी। देखें डरने की कोई बात नहीं है, जिस तरह आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट जो हैं वो सहजाब होके भी जा रहे हैं जी। सर उसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ से अगर फिर इसके बाद डिसाइड होता है कि अगर दो कैटेगरी है, अगर वो पेशेंट ने आइसोलेशन यानी कोरोना पॉजिटिव है उसको ये फिर हमारा जो आइसोलेशन हॉस्पिटल एक एक्सपो में इस्टेब्लिश किया गया फील्ड हॉस्पिटल 1000 बेड का वहाँ पर भेज दिया जाता है, और वहाँ पर तो उसमें अब तक जो है हमारे 238 के करीब 240 के करीब लगभग जो है हमारे वहाँ पे पेशेंट इस वक्त जो है वहाँ पे गए हैं, जिनको के वहाँ पे निगहदाश्त में रखा जाएगा और जब उनका टेस्ट नेगेटिव होगा तो फिर वो वापस जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर जब आप देखिए ये हमने डीकंटेमिनेशन एरिया बनाया। डीकंटेमिनेशन एरिया सर इसका क्या मतलब है? ये होता है कि यहाँ पे जो है ये जो आते हैं हमारे जो वर्कर अंदर काम कर रहे हैं, जब उन्होंने काम कर लिया तो उनको फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि इससे पहले वो घर जाएं या कहीं पे भी जाएं तो उनको वो अपनी ये जरासीम और बाहर लेकर ना जाए, अपनी सेफ्टी के लिए, उनके घर वालों और सबकी सेफ्टी के लिए है कि ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करें और फिर उसके बाद यहाँ से उनको भेजें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि कैसे जो कोरोना के पेशेंट, जो कोरोना रेस्क्यू के अहलकार हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा था उनका है ना, एम्बुलेंस में वो मरीजों को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे उन्हें डिसइंफेक्ट किया जा रहा है ताकि जो जरासीम उनके बॉडी पे या उनके कपड़ों पर रह गया है वो ख़त्म हो सके। जी, इसके बाद अगर आप खुदा ना खास्ता अगर सीरियस है और आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बुखार साथ चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए फिर ये मखसूस एम्बुलेंसेज हैं हमारी, वहाँ पे फिर प्रॉपर स्टाफ जो है पूरे गेयर में आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एम्बुलेंस के अंदर ये हमारा स्पाइन बोर्ड है, ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, और ये इवन वेंटिलेटर भी हमारी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, और ये है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी ये खुदा ना खास्ता किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जाए ताकि उसको शॉक दे के रिवाइव कर सके, ये चीज़ें। इसके अलावा एयरवे किट और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं ताकि ऐसे पेशेंट्स की जो है वो जो ज़्यादा सीरियस हैं उनकी सही तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। सर, ये एम्बुलेंस में जो डमी है उसके बारे में बताएं कि कैसे जो है वो आप करते हैं? इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको हम रेगुलरली टेस्ट करते रहें, तो हमारा जो वेंटिलेटर है उसको टेस्ट करने के लिए जाहिर बात है जब इंसानों को यूज़ करना, उस वक्त टेस्ट नहीं करना, उस वक्त एक्चुअल काम का टाइम होता है। लेकिन आपने जिस तरह से अपने कोई भी आपका हथियार है या जो भी आपका चीज़ है जिससे आपने उसको मैनेज करना है, आपको उसको रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी होती है, तो इस तरह की डमीज़ के ऊपर उनको टेस्ट किया जाता है कि वो ठीक काम कर रहा है क्या, कल को फेफड़ों को सही तरीके से फुलाएगा नहीं करेगा, तो वो उसको चेक किया जाता है। सबसे ज़्यादा डर लोगों के जहनों में है, हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे कोरोना से तो कोई हमें किसी प्यारों को दिया नहीं जाएगा, तदफीन एक एहतरामन तरीके से नहीं की जाएगी, हमारे प्यारे हमें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसके बारे में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो ज़रा क्लियर करें। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट कम से कम मैं पंजाब की बात आपसे कर सकता हूँ, और जहाँ पे भी हमें कॉल्स आई, मैं अभी भी जो डेटा देख रहा था अभी लेटेस्ट जो हमारे पास आया वो 54 के करीब हमने बरियल्स किए हैं सस्पेक्टेड लोगों के, और उसमें अगर आप देखें तो बाकायदा उनकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म्ड होती हैं, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पर बुलाया जाता है, थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन का अमल या ऐसी चीज़ ना हो, तो ज़ाहिर बात है उसको बड़े रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ किया जाता है, बट ज़ाहिर बात है उस वक्त हम उनको इस किस्म की इजाज़त नहीं दे सकते कि आएँ उनको टच करें और इन्फेक्शन जो है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो लवाजमात सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, फैमिली भी आ सकते हैं क्लोज़, यानी बहुत बड़ा हजूम नहीं होगा, वो आके करीब आके तो जिस तरह से उनका वहाँ पे आ सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, तो उसकी बाकायदा प्रोटोकॉल्स बनाई गई हैं ताकि इज़्ज़त के साथ रिस्पेक्ट के साथ वो हो सके। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कि इतनी सारी अमवात हो रही हो कि फिर जिनको हमें अलहदा से उस तरह करना पड़े, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, उन सबको बड़े इज़्ज़त और ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। हमारी जो टीमें हैं हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये हमारे हीरोज़ हैं जो इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, और ये लोग इस वक्त जाके ऐसी सूरत हाल में जो है वो लोगों की मदद करते हैं, और जिस वक्त कोरोना के पेशेंट्स को भी रिसीव करने जाना है उस वक्त भी साथ जाके जो है वो काम कर रहे हैं, और ये इस वक्त हमारे लिए रियल चैलेंज है। मुझसे अभी इस तरह हम शेयर भी कि जिस वक्त जा रहे हैं हम लोग भी, जिस वक्त जाते हैं जब उनको पता चलता है मैं आज कोरोना ट्रियाज सेंटर पर गया हूँ और मैंने हस्पताल भी जाके देखे हैं, और वो भी तो सब कहते हैं, और इनको भी मेरे सारे रेस्क्यूअर्स के साथ भी सब फैमिलीज़ का होता है, आप इन्फेक्शन तो नहीं अंदर लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप कपड़े बाहर ही उतारे, पहले हम आपको डिसइंफेक्ट करेंगे फिर आप अंदर आइए।
सो एक खौफ भी होता है, हम भी ये भी सोचते हैं जिस तरह हमारे रेस्क्यूज भी, हम सब सोचते हैं कि ये हम जा रहे हैं अब क्या घर जाएं, ये ना हो कि वहाँ पे हम लोगों को इन्फेक्ट कर दें, अपनी फैमिली को इन्फेक्ट कर दें, और ये सब के लिए एक ज़ाहरी बात है एक फियर और वो चीज़ है, लेकिन हमें जो है वो ऐसी एमरजेंसीज के अंदर हमें जाना है, और अगर हम भी जाके उनकी मदद नहीं करेंगे लोगों की तो फिर और कौन करेगा। बिल्कुल, हमारे मुजाहिद ऐसे भी हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर आप लोगों की जान बचाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कोरोना से जो एक वबा है उसके तो नाम से ही इतना डर लगता है, और वो एक ऐसा मेरे ख्याल में एक ऐसा लम्हा होता है कि जब आपके अपने भी आपको छोड़ जाते हैं और फिर आप उन्हें जो है वो रेस्क्यू करते हैं, तो कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको सरशार रखता है कि आपने अवाम की खिदमत करनी है? जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, हमारे डीजी साहब ने हमें इतना अच्छा अटेंड किया हुआ है कि कोई भी आंधी तूफान हमें पहले से ही बताया गया हुआ है जिस तरह का भी माहौल हो आप लोगों ने उसको एडजस्ट करना है और उसको फेस करना है। सर, कभी ऐसा डर नहीं आया, क्योंकि आप लोग तो इन्फेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन आपकी फैमिली भी उतनी ही ख़तरे में होती है, तो कैसे आप ये सब जो चैलेंज को फेयर करते हैं? जी, हमें फैमिली को तो देखना होता है, फैमिली हमारी हमसे डर रही होती है, हमसे दूर वो भागती है, वो कहते हैं कि हमने मतलब जब हम आते हैं ना तो घर में बाहर से हम बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो के ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ना घर में जाते गर्म पानी मिलता है, हम अलग अपने यूनिफॉर्म उतारते हैं और फिर जाके जो है अपने नहा के फिर फैमिली से मिलते हैं। जी, हमारे साथ एक दूसरे मुजाहिद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। सर, बड़ी ये नफसा नफसी का आलम है और ये ऐसी बीमारी है जो अपने भी दूर हो जाते हैं आपसे। आप मुझे बताएं कि जब एक सस्पेक्ट है आप उसे लेने जा रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस नहीं शो करते कि हमने आपके साथ नहीं जाना, तो उस तरह की सिचुएशन में कैसे आप? जी मैडम, हाँ, वो रेजिस्टेंस भी करते हैं आगे से, लेकिन हम उन्हें बड़े पोलाइटली वे से बताते हैं कि ये आपके लिए बहुत अफेक्टिव है, आप हॉस्पिटल जाएँ, आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, वहाँ पर आप रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, अगर आप घर पर रहते हैं तो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए आपका हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो फिर हमने इस तरह हॉस्पिटलाइज करते हैं। कितने जो आप अब तक देखते हैं जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिलियाज हैं या एक जो है एक फैमिली का एक फर्द है या पूरी फैमिलीज हैं जो इन्फेक्ट हुई हैं, तो वो पूरी फैमिली आप शिफ्ट करते हैं? मैम, कुछ पूरी फैमिलीज हैं, कुछ घर के एक दो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, फिर उनके महकमा हेल्थ जो है वो बाकी कोरोना टेस्ट होते हैं, तो अगर उनमें से फिर कोई इन्फेक्टेड होता है तो फिर उन्हें भी शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको सर कभी डर नहीं लगा कि आपको सबसे ज़्यादा ये बीमारी के मतलब आप तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कोई डिस्टेंस भी आप मेंटेन नहीं कर रहे, जाहिर बात है आपने लेके जाना है तो आपको तो सबसे ज़्यादा चांस है कि ये हो जाएगा, तो फिर आप किस तरह ये डर को ख़त्म करते हैं या कौन सा ऐसा जज्बा है जिस जो आपको ये इस चीज़ में फ्लो में रखता है कि हमने अपना जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देनी ही देनी है? मैडम, ऐसा है कि जब हमें कंट्रोल रूम से कॉल आती है हम रेडी होते हैं, हम पूरे मतलब जज्बे से जाते हैं, हमें पता होता है कि ये हमने ही डील करना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा और हमें ये सिखाया गया है कि जब लोग जहाँ पे मतलब लोग प्रॉब्लम्स में हों, जहाँ पे आफतें हों, प्रॉब्लम्स हो, आग हो, तूफान हो, वहाँ से लोग भाग रहे होते हैं और हमने उस तरफ जाना होता है ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें, उन्हें उस मुश्किल में से निकाल सकें। तो मैम, हम सबसे पहले इधर जैसे ही हमें ये कोरोना की कॉल आती है कि फ़लाने एरिए में कोरोना का पेशेंट है, तो हम सबसे पहले अपने पीपीस पहनते हैं, सब अपने आप को पूरा सिक्योर करते हैं पूरे पीपीस के साथ, वो पीपी पहन के फिर हम उस एरिए में मूव होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे डिटेल लेते हैं पेशेंट कौन है, कितने हैं, लेडीज़ कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, क्योंकि मेल्स जो हैं वो एक्सपो सेंटर क्वारंटाइन होते हैं, जो होती हैं फीमेल्स होती हैं वो हम न्यू हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इस तरह मैम हमें पूरे जज्बे के साथ जाते हैं और डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। जी, तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन दीबा शहनाज, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे ज़्यादा जो वबा फैली है कोरोना की, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट के अलावा पाकिस्तान में एक और भी मसला है, वो गुर्बत का है, लोगों को खाने की तकसीम जो है वो नहीं मिलती, राशन उन तक नहीं जाते, इसको कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि राशन जो है वो ज़रूरतमंदों तक ही पहुँचे? देखिए, रेस्क्यू 112 फ्रंट लाइन पे सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस कर रहा है, घरों से लेकर क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल में जो मरीज़ों की शिफ्टिंग है उसको यकीनी बनाया गया, उसके लिए 1190 हेल्पलाइन का क़्याम हुआ। उसके बाद ये हमने ये देखा
कि 1190 पे जब पहले कोरोना से रिलेटेड कॉल ज़्यादा आती थी, किसी को कफ़ भी होती थी, फीवर होता था, कफ़ फीवर होती थी, तो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई तो वही कॉल्स हमें ज़्यादा आ रही थी। अब पैटर्न कुछ दिनों में ये बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है, हमें इंस्टेड ऑफ़ के मेडिकल कॉल ज़्यादा आएँ, हमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉल ज़्यादा आ रही हैं। चूँकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली तो हमारे उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जिसने भी हमें रेस्क्यू पे ट्रस्ट किया और इसकी सर्विसेज चाही, हमने वहाँ पे अपना पूरा मैकेनिज्म इन प्लेस किया और हमारे मुख्तलिफ 18 पॉइंट्स हैं लाहौर में, उसमें से 17 पे हमने ये काम स्टार्ट किया हुआ है कलेक्शन पॉइंट्स, और वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमैटिक है। उसमें बाकायदा SOPs ये हैं कि आपने क्राउड को एक टाइम पे इकट्ठा नहीं करना ताकि कोई बदनज़मी ना हो, और उसमें एक वक्त में मैक्सिमम 20 लोगों को बुलाया जाता है, उनको सोशल डिस्टेंस के तरीक़ाकार पे बैठाया जाता है और फिर उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन ID कार्ड से करके उनको वहाँ पे उनसे रिसीविंग लेके उनको हैंडओवर किया जाता है। मैडम, डेली बेसिस पे कितने लोगों को आप राशन दे रहे हैं? डेली बेसिस पे इस वक्त हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वो तकरीबन 1500 से 2000 के करीब है। ना सिर्फ रेस्क्यू 1122, रेस्क्यू स्काउट्स जो कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास इस वक्त 1,14,000 वॉलंटियर्स पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, उनको भी हमने मुख्तलिफ कामों में लगाया इस एमरजेंसी के दौरान, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस है अबाउट जो भी हमें पंजाब हुकूमत पंजाब ने पम्फलेट्स और PDMA के थ्रू दिए उसकी, और साथ अनाउंसमेंट करके मोटर बाइक एम्बुलेंस स्टाफ जो है हमारा वो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे अनाउंसमेंट करके वो हदायत पहुंचाता रहा। हमारे फायर जो सर्विस थी उन्होंने तमाम एरियाज को डिसइंफेक्शन किया, हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस के एहलकार थे उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्टिंग के साथ साथ, क्वारंटाइन शिफ्टिंग के साथ साथ बरियल की लिए जो कमेटियाँ बनी उसमें भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और हमारे रेस्क्यू स्काउट्स जो हैं वो आगाही के साथ साथ जो हमारी ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ है उसमें उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी इस तरह से इंश्योर होती है कि हमारी हर यूनियन काउंसिल में एक टीम बनी हुई है वॉलंटियर्स की, रेस्क्यू स्काउट्स जिसे हम कहते हैं, वो अपने एरिए के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो जो जिन डिज़र्विंग लोगों को हम दे रहे होते हैं वो ज़्यादा इंश्योर हो जाता है कि ये वाकईतन डिज़र्विंग है, और इनको यहाँ पे पहुँचाने में, एड्रेस को अप्रोच करने में वो भी मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल में रेस्क्यू स्काउट्स जो बग़ैर किसी तनख्वाह के हमारे साथ अटैच हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी काबिले दाद है, और ये सब हीरोज़ हैं कौम के। अब हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ सेफ्टी मोहम्मद अहसन साहब, और उनसे हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू 1122 की एडिशनल ट्रेनिंग है उसके बारे में हमें ब्रीफ करें कि क्या ट्रेनिंग है जो कि COVID-19 के लिए आपको एडिशनल दी गई है। शुक्रिया जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो ये थी कि रूटीन की ट्रेनिंग के साथ इन्होंने अपने आप को कैसे सेव करना है और फिर दूसरों को कैसे सेव करना है, तो हमने गाइडलाइंस इशू की कि आप डिसइनफेक्शन कर रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कितनी परसेंटेज रखेंगे, अगर आपने अपने आप को डिसइनफेक्ट करना है तो फिर सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या होगी, अगर गाड़ियों को इक्विपमेंट को करना है तो फिर क्या होगी, और वो सारे डिस्ट्रिक्ट में फॉलो हुई पंजाब पूरे में, और दूसरा जो सूट पहनना है वो किस तरह पहने और क्या क्या चीज़ें पहननी है, और उसको पहनने का तरीका क्या, यानी डॉनिंग का तरीका क्या है, पहले कौन सी चीज़ पहननी और आखिर में कौन सी पहननी ताकि आप अपने आप को बचा सकें, इन्फेक्शन आप में जा जाए, और दूसरा फिर उसको उतारना कैसे, क्योंकि जब आप उतार रहे हैं तो इसका मतलब वो सूट आपका गंदा हो चुका है, तो आपने उसको उतारना कैसे, उतारने से पहले भी उसको डिसइनफेक्ट करें ताकि जब आप उसे डिस्पोज़ कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन के साथ डिस्पोज ना हो, और वो सारा हमने वीडियो बना के सबसे शेयर किया। यहाँ सारे बैच को हमने ट्रेनिंग दी, हैंड वॉश से लेके प्रॉपर डॉनिंग और डॉफिंग तक, जो अपने इक्विपमेंट पहने हैं वो कैसे पहने और कैसे उतार रहे हैं, ये एडिशनल ट्रेनिंग थी जो इन सब को देगी ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी इन सब को पता हो कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है लोगों को सपोर्ट करते हुए, केयर करते हुए। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि सब इदारे जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और इस वबा से जो है वो लड़ रहे हैं, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह जो है हेल्प करती है आपके इदारे की कोरोना से निपटने के लिए? मैं समझता हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक बहुत अच्छा जो है वो स्टेप था, जिसमें हमें जहाँ पे आप एक्सीडेंट देखिए ख़ास तौर पे उनमें जो आपके पास उस वक्त लाइव फुटेज है, लाइव मॉनिटरिंग जो आप कर रहे हैं, फिर जो हमारा 15 की हेल्पलाइन चल रही है उस पे जहाँ पे भी हमें पुलिस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी पुलिस के साथ रबते की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारे रेस्क्यूअर भी मौजूद होते हैं सेफ सिटी में, तो वो डेफिनेटली हमें सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत इस प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है, और इसीलिए हमारा आपस में एक बड़ा अच्छा क्लोज लेज़ॉन है। सर, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप दिन रात जो है वो इनकी खिदमत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब आवाम से यही कहूँगा, आई थिंक जिस तरह से हमारा एक जो स्लोगन भी चल रहा है कि हमें डरना नहीं है,
इससे लड़ना है, लेकिन लड़ने का तरीका ये है कि आप एहतियात करें। सो आप एहतियात करेंगे तो वही सबसे ऐसे मौसर अंदाज है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो महजब कौमें हैं, जो अच्छी कौमें, वहाँ पे अगर किसी को खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो मास्क ज़रूर पहनता है। आम लोग पहने या ना, वो ज़रूर क्यों पहनता है कि मैंने तो हो गया है, किसी और को ना हो जाए। तो हमें वो ज़िम्मेदार शहरी बनना है, हमें बाहर गंदगी नहीं फेंकनी, अगर वो है उसके लिए डस्टबिन है उसको सही जगह पर फेंकना है। आप नालियों में फेंकते हैं, नकल को नालियाँ वो ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पे अरबों रुपए की सड़कें बनती हैं, वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए मैं शहरियों से सबसे अपील करूँगा, ये टाइम आया है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ हमने देखी है जिस पे आज हमें अपनी सोच बदल के हमें एक ज़िम्मेदार शहरी बनना है। वहाँ पर हमने ऐसी चीज़ों से अब डरना नहीं है, बल्कि एहतियाती तदाबीर ऐसे लेने हैं कि हम ऐसी डिजीज़ को होने से, स्प्रेड होने से हम रोक सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि रेस्क्यू 1122 ना सिर्फ जो मामूल की इमरजेंसी है उससे निमट रही है, बल्कि जो कोरोना COVID-19 के मरीजों को भी रेस्क्यू कर रही है। इसमें जो है आवाम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो हुकूमत की तरफ से हदायात हैं उन पर अमल करें, ताकि आप अपनों को और अपने मुल्क को इस वबा से बचा सकें।